In this video, we will be doing the question answers of the poem Trees of Class 7. So let's see the first question. Question 1 is, what are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी इंसान ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें कि ट्रीज यूज होते हैं या ट्रीज भी पार्टिसिपेट करते हैं यानी ट्रीज भी शामिल होते हैं. तो इसका आंसर देखते हैं. द ह्यूमन एक्टिविटीज इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट आर मेकिंग ट्री हाउसेस, स्विंगिंग on swings, hiding behind the trees while playing hide and seek, having tea parties under them, making cool shades in summer, etc. तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो इंसान एक्टिविटीज करते हैं उनमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें ट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं. वो हैं ट्री हाउस बनाना यानी कि जो मचान बनाते हैं ट्री के ऊपर, स्विंगिंग ऑन स्विंग्स यानी झूले पेड़ों पर झूले डाल करके झूलना, हाइडिंग बिहाइंड ट्रीज वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेलते समय पेड़ों के पीछे छुपना, हैविंग टी पार्टीज अंडर देम यानी पेड़ों के नीचे चाय पार्टी करना, मेकिंग कूल शेड्स इन समर्स यानी गर्मियों में अच्छी छाए ढूंढना, पेड़ों के नीचे बैठना छाए में, वगैरह वगैरह. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन करते हैं पेड़ों के साथ या पेड़ भी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं. क्वेश्चन 2 है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर्स, व्हाट डज दिस मीन? ट्रीज की छाएं हमको सर्दियों में नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? कंट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट यानी इससे पहले इस पोएम में जो लाइन बोली गई थी उससे इसको कंट्रास्ट करिए, मतलब इसे मैच करिए, समझाइए उसका मतलब उसके परिपेक्ष में. तो इसका मतलब ये है कि हमें पेड़ की छाएं सर्दियों में नहीं चाहिए लेकिन गर्मियों में हमें छाएं चाहिए. तो इसका आंसर देख लेते हैं. ट्रीज मेक नो शेड इन विंटर मीन्स दैट पीपल डू नॉट लाई अंडर इट इन विंटर्स एज इट इज ऑलरेडी वेरी कोल्ड एंड देयर फोर पीपल लुक फॉर वार्म प्लेसेस. पेड़ों की छाएं सर्दियों में नहीं चाहिए क्योंकि लोगों को ऑलरेडी सर्दियों में ठंडा लगता है और जो पेड़ हैं वो ठंडी छाएं देते हैं, इसलिए लोगों को सर्दियों में पेड़ की छाएं नहीं चाहिए बल्कि उनको गर्म जगह चाहिए और उनको सन में यानी धूप में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है. और इन द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट द पोएट हैज मेंशन हाउ ट्रीज आर यूजफुल इन समर्स. इससे पहली लाइन में पोएट ने बताया था कि पेड़ गर्मियों में कैसे हमारे को यूजफुल होते हैं, जैसे कि वो हमको बहुत अच्छी ठंडी छाया देते हैं. ही हैज़ कंट्रास्टेड दिस स्टेटमेंट विद द नेक्स्ट वन वेयर ही हैज़ मेंशन्ड दैट ट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी शेड इन विंटर्स. उसने बेसिकली अगली लाइन में पहली लाइन में उसने ये बोला कि पेड़ की छाया पेड़ हमें गर्मियों में छाया देने के लिए हैं और दूसरी लाइन में उन्होंने इमीडिएटली ये बोला है कि पेड़ों की छाया सर्दियों में नहीं चाहिए, पेड़ हमें सर्दियों में छाया देने के लिए नहीं है. तो ये आंसर नंबर 2 हो गया है. लेट्स सी द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, डू यू एग्री दैट
वन पर्पस ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस? ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, पेड़ हैं हमको एप्पल्स यानी सेब और पियर्स यानी नाशपाती देने के लिए. डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट? क्या आपको लगता है कि पेड़ों का एक काम हमको, पेड़ों का एक काम फ्रूट्स या फल देना भी है, या आपको लगता है कि ये लाइन सिर्फ लेखक ने हंसी के लिए लिखी है? इसका आंसर है कि यस, आई एग्री दैट वन ऑफ द पर्पस ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट. हाँ, मुझे लगता है कि पेड़ों का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हमें फ्रूट्स यानी फल देना है. आई डोंट थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस. मुझे नहीं लगता कि ये लाइन हंसी मजाक के लिए बनाई है, लिखी गई है. इंस्टेड आई फील दैट दिस लाइन शोज अ वेरी इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्लांटिंग ट्रीज. बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये लाइन जो है हमें एक पेड़ों की लगाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज बताती है. तो इसी के साथ हमारे ये इस पोएम ट्रीज के क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होते हैं. थैंक यू.